अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। राजस्थान बेरोजगार विद्यार्थी मित्र शिक्षण द्वारा प्रेस वार्ता। मैडम आप ये बताइए, आपने आज जो प्रेस वार्ता की है, अब तक आपने राजकीय विद्यालय में कब से कब तक कार्य किया और कितने रुपए में कार्य किया? सबसे पहले तुम्हें अपना नाम, मेरे यशोदा मेहता, प्रदेश अध्यक्ष वंचित विद्यार्थी बेरोजगार शिक्षक संघ। हमने विद्यार्थी मित्रों के रूप में 2006 से लगाकर 2014 तक लगातार स्कूलों में अल्प मानदेय में काम किया, जिसमें 2700 रुपये से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो हमें रिक्त पदों पर लगाया गया था। कितने समय, कितने साल तक आपने काम किया है राजकीय विद्यालयों में? 2007 से लगाकर 2014 तक, लगभग 7-8 वर्षों तक आपने काम किया। सर आप मुझे ये बताइए, अब तक सरकार ने दावा कर रही है कि हमने 1,20,000 संविदा कर्मियों को हमने रोजगार दे दिया। आप बता रहे हो कि हम बेरोजगार हैं, लेकिन कुल कितने विद्यार्थी मित्र शुरू की योजना में लगे थे, अब तक कितने विद्यार्थी मित्रों को सरकार रोजगार दे चुकी है और कितने अभी शेष बचे हुए हैं जो रोजगार के लिए 2017 से लगातार प्रयासरत है? सर 2014 के जो है संख्या के अनुसार मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको, 24,163 कुल विद्यार्थी मित्र सरकार ने 2007 में लगाए थे। लगभग 7-8 साल तक उन्होंने अल्प वेतन में कार्य किया और इनका 10% सालाना ग्रोथ का ऐसा सिस्टम था। अब जो है अभी वर्तमान में जो सरकार ने 2017 के अंदर जो भर्ती खोली थी, उसमें लगभग 18,000 विद्यार्थी मित्रों को उसमें समायोजित कर लिया और 5,000 लोग अस्पष्ट नियमावली के कारण और दुर्भावनापूर्ण कुछ लोगों को ऐसे पीछे छोड़ना और भर्ती पूर्ण नहीं करने के कारण लगभग 6500 विद्यार्थी मित्र वंचित रह गए, जो जो पंचायत स्थायी भर्ती 2017 से लाभान्वित नहीं हो सके। अभी तक की ये स्थिति है सर। अच्छा, यानी 24,000 थे जिसमें से कुछ लग गए, यानी आप लगभग 6500 अभी वंचित हैं जो विचारधारा में आना चाहते हैं रोजगार की में। धन्यवाद। रामनिवास शर्मा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान बेरोजगार वंचित विद्यार्थी संघ। सर आप ये बताइए, आप लगातार रोजगार के लिए प्रयासरत है, अब तक 2014 में आपको हटा दिया गया था एक कोर्ट के माध्यम से, तो उसके बाद आपने सरकार से रोजगार लेने के लिए कौन कौन से प्रयास किए? सर हमने 2014 से लेकर आज तक 10 प्रमुख आंदोलन तैयार किए, अब जिसके माध्यम से हमने सरकार की आवाज पहुंचाने के, बुलंद करने के लिए हमने प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास हमारे असफल रहे। पहला आंदोलन 2 अक्टूबर 2018 शहीद स्मारक, दूसरा 19 मई 2019 शहीद स्मारक, तीसरा 21 फरवरी 2022 विधानसभा की पॉइंट, चौथा 22-23 मार्च 2022 शहीद स्मारक, पांचवा 27 दिसंबर 2022 शहीद स्मारक, छठा 23 जनवरी 2023 शहीद स्मारक, सातवा 7 मार्च से 4 मार्च 2023 जोधपुर कलेक्ट्री पर, 16 मार्च 2023 को 22 गोदाम पर, 9-14 सितंबर 2023 को शहीद स्मारक और अंतिम 1 अक्टूबर 2023 को शहीद स्मारक पर ये प्रमुख प्रयास किए गए। और इन प्रयासों में बिल्कुल हमने पुरजोर तरीके से हमारी मांग उठाई, लेकिन सरकार ने अनदेखी की। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देते समय रहते हैं हमारे को ध्यान दे। विजेंद्र सिंह कंवर, मैंने ये भी सुना है आपने लगातार 51 दिन का धरना बीकानेर में दिया है, उसके क्या परिणाम आपके सामने आए? बिल्कुल 51 दिन का धरना बीकानेर में दिया और अनिश्चितकालीन था, लेकिन शिक्षा सचिव के माध्यम से हमारे को आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। वो धरना इन वंचितों का एक सहारा बन के उभरा है, इनको आशा जगी है कि रोजगार मिलेगी, लेकिन आचार संहिता लगने में 2 दिन शेष है। अब ये देखा जाएगा सरकार वास्तव में रोजगार देना चाहती है या नहीं। सरकार देती है तो हम इसका स्वागत करेंगे, और सरकार नहीं देती तो हम इनका पुरजोर तरीके से। बहुत अच्छी बात, आप स्पष्ट कहना चाहते हो यदि सरकार हमें रोजगार देती है तो हम उसका पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करेंगे, यदि नहीं देती है तो हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, यानी आपने
2017 से लेकर अब तक 10-15 प्रोग्राम आपने सरकार को दिए हैं। बिल्कुल दिए, जिसमें एक आपका मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पे रक्तदान शिविर का आयोजन भी आपने किया है, ऐसा मैंने मीडिया में पढ़ा था। उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही, हमने हमारे एक एक रक्त का, एक एक शरीर के बूंद की रक्त से उनका स्नान किया है, उनके लिए त्याग किया, लेकिन मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं हुई। नहीं, अभी तक आपको रोजगार की धारा में नहीं जोड़ा गया। नहीं जोड़ा गया। अब ये बताइए, जैसे लगातार सर ने बताया कि आप लगातार मंत्री विधायकों आदि से आप मिलते जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण रहा? मंत्रियों के पास पास हम बार बार गए, हमने कहा कि हमारी बात, हमारा मांग पत्र सीएम साहब पहुंचवाओ और हमारे बेरोजगारों को हमें रोजगार दो, लेकिन मंत्रियों ने झूठे आश्वासन दिए। हमने बताया था कि जन कल्याणकारी जो जननायक कहे जाते हैं, जन घोषणा पत्र में 2018 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम विद्यार्थी मित्रों को नियमित करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी रोजगार नहीं दिया है। सब झूठे वादे करते हैं और धरातल पर कुछ भी नहीं है। सचिवालय में जानकारी करने के बाद भी हमें वहाँ नथिंग, कुछ भी जवाब नहीं मिलता है। ये कहते हैं सीएम साहब करेंगे। देखो, शिक्षा अधिकारी का हमारे पास 5-6 साल का ये अनुभव है, इसका क्या होगा जब हमारे इसका उपयोग ही नहीं हो रहा है और सरकार इस अनुभव को हमको दिया है लेकिन हमें रोजगार नहीं दे रही है, तो हम इससे परेशान होकर सरकार का विरोध भी प्रदर्शन करेंगे और रोजगार की धारा में समय रहते हुए सरकार हमें जोड़े। वंचित विद्यार्थी शिक्षक संघ प्रदेश प्रवक्ता तेजचंद सागर। बहुत अच्छी बात। आप मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारे प्रयास किए 2017 से लेकर 2023 तक, इतनी संख्या में आज आपने मीडिया को रेडी भी किया इतने साथियों के साथ, इसके उपरांत भी यदि सरकार आपको रोजगार की मुख्य धारा में नहीं जोड़ती है तो अगला आपका सरकार के प्रति क्या संदेश होगा, अगला आपका क्या कदम होगा? देखिए सर, हम सरकार के प्रति समर्पित थे, अब तक हमने सरकार का सपोर्ट किया है, लेकिन सरकार समय रहते हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है। अब हमें मजबूरन सरकार का खिलाफत करनी पड़ेगी और हम घर घर जाकर पोस्टर छपवा कर सरकार। तो अगला आपका सरकार के प्रति क्या संदेश होगा, अगला आपका क्या कदम होगा? देखिए सर, हम सरकार के प्रति समर्पित थे, अब तक हमने सरकार का सपोर्ट किया है, लेकिन सरकार समय रहते हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है। अब हमें मजबूरन सरकार का खिलाफत करनी पड़ेगी और हम घर घर जाकर पोस्टर छपवा कर सरकार का विरोधी नारा लगाते हुए प्रचार प्रसार करेंगे, प्रचार प्रसार करते हुए सरकार को जितना हमारा प्रयास होगा वो हमारी नहीं सुनती है तो हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बावजूद यदि सरकार अभी भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिलती है कि आचार संहिता 6 सितंबर को लगेगी, लेकिन उसके दोबारा संशोधन के बाद जानकारी हुई है कि ये आचार संहिता लगभग 9 से 15 सितंबर के बीच में लगने वाली है, तभी भी सरकार के पास समय है। सरकार अपना ध्यान हमें रोजगार देने में लगाए और समय रहते इस चीज को ध्यान रखे। बजरंग सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, वंचित विद्यार्थी शिक्षक संघ राजस्थान। एक बात और बताइए, आपने आज जो प्रेस वार्ता की है, इतने मीडिया पत्रकार बंधु आए हैं, ये किस संदर्भ में की है? आपने सरकार को चेतावनी स्वरूप की है, सरकार से रोजगार के लिए की है, या अपनी मांग को मनवाने के लिए की है, या अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए की है? आज हमने प्रेस वार्ता हमारे रोजगार के संदर्भ में की है, सरकार को एक बार सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए की है, ताकि सरकार को हमारी पीड़ा सरकार तक पहुँच सके। अगर सरकार हमारी पीड़ा को सुनती है और हमें अगर रोजगार मुहैया करती है तो हम उसका धन्यवाद की पात्र बनेगी। अगर सरकार इस माध्यम पे, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भी अगर दरकिनार करती है हम 6,500 बेरोजगारों को, तो हम खुलेआम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और खुलेआम हम उसके पोस्टर लगाएंगे और उसके काले झंडे दिखाने तक की नौबत भी आएगी तो हम काले झंडे भी दिखाएंगे सरकार। थैंक यू।